क्या बदतमीजी है ये? जान बचाना बदतमीजी कब से हो गया? तो बड़ी अम्मा पहले से आप खाई। कहना क्या चाह रही हो? हम दुश्मन है अपने बहुआ के? हमने सगाई नहीं, पर अगर ये बात निकली है तो आप बता दीजिए क्या आप हैं दुश्मन? काव्या, हाउ डेयर यू? आदि, तू रुक जा बहुआ। हम अपने आदि की जान लेंगे। ये हमारो बहुआ है और हम इसकी बड़ी अम्मा हैं। इस पे आ चाहे ना, उससे पहले हम अपनी जान दे देंगे। समझी? परीक्षा लेगी तू? नहीं देख, नहीं बड़ी अम्मा, देख हो गए तृप्ति। अब हम मरे तो हम है दुश्मन। ये क्या कह रही हैं आप? इसने आपसे कुछ कहा? जय हमारे कमरे में आई, बोली कि तुझे मारने के वास्ते बम हमने लगाया हो तो। हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस परिवार के वास्ते, इसने एक पल में हमारे त्याग पे धब्बा लगा दो। तुझे विश्वास नहीं हो रहा था तो पूछ ले इसके चमचे से, बता रहे कितना इनाम मिलने वाला है तुझे इस फरेब के लिए, बोल बोल। संतू, तुझे काव्या ने झूठ बोलने को कहा? बोल बोल बोल, सच बोल। पता, छोटी बहू ने कहा था ना तुझे बोलने के लिए? अरे बता देना कि कभी ने कहा था तुझसे। हाँ हाँ बोला, मगर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बड़ी अम्मा ये हम सबकी माँ है। आज तक इस घर में किसी ने उनसे उठी आवाज से बात नहीं की और तुम उन पे इल्जाम लगाओगी? हाउ डेयर यू? बड़ी अम्मा शट अप, मुंह बंद रखो अपना, वरना बड़ी अम्मा चलिए आइए। हर बात का समर्थन किया काव्या तुम्हारा, मगर इस बार तुमने हद पार कर दी। पापा जी, पर हम सच कह रहे हैं, आदि की जान खतरे में। चुप रहो तुम। सच बोल देते, क्यों रोका आपने? क्योंकि संतु, बिना सबूत के कुछ भी कहने में कोई फायदा नहीं है। सब लोग उनसे बहुत प्यार करते, वे मानेगा ही नहीं। काव्या, मम्मी पापा और भाई आए हैं। या? हाँ। अरे बेटा, ये प्रमाण पत्र है तुम्हारा एमएलए बनने का। जो भमलपुर की जनता है ना, इन सब ने महासचिव के नाम एक पत्र लिखा है और इसमें सब गाँव वालों ने दस्तखत किए कि हमारा एमएलए जो है वो अधिराज प्रधान होना चाहिए। क्या बात है अम्मा, ऐसा रोई हैं आप, ऐसा रोई हैं आप कि मतलब हम अपने असल के आंसू रोकते रोकते रह गए। अब उन्हें रुलाएंगे? ये फाइल किसी भी कीमत पे महासचिव के हाथ नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगी अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, इसे तो हम जला के खाक कर देंगे। गोबर भरा है तेरे दिमाग में? अरे इतना बढ़िया हथियार हाथ में है, पहले शिकार करेंगे फिर दफनाएंगे। अब किसका शिकार अम्मा? देखते जाओ, सब समझ जाओगे। काव्या, पापा मम्मा, तू ठीक है बच्चा? हम तो बहुत डर गए थे बेटा, तू सही सलामत तो है ना? जी। काव्या, टीवी पे देख रहे थे, एक पल को तो लगा कि जैसे जैसे हम तुम्हें खो ही देखे। ऐसे कैसे खो देते भाई साहब,
आदि था ना वहाँ अपनी जान पे खेल के आपकी बेटी को बचाने के लिए। सच है मान लीजिए, मगर ये भी सच है कि पहले काव्या ने आदि को बचाया, नहीं तो इसकी जगह वो होता और बॉम्ब का किसी को पता ही नहीं चलता। अब जो भी कहिए, वो आदि ने काव्या की जान बचाई है ना, तो उसका एहसान है हम पर। अरे हाँ, एहसान तो आपकी बिटिया का है हमारे ऊपर, और हम ना ज्यादा दिन किसी का एहसान रखते नहीं है, तुरंत चुका देते। हमारा बहुआ सुरक्षित घर वापस आ गया, इस खुशी में हम कंबल बांट रहे हैं। बड़ी अम्मा, ये तो गरीबों में बांटने वाले कंबल है ना? हाँ, तो गरीबों में ही तो बांट रहे हैं। बड़ी अम्मा देखिए आप। काव्या, धन्यवाद, सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। एक सेकंड, एक बार हम भी तो चेक कर लें कि ये कंबल है कैसे। क्या करिए काव्या? आपकी बिटिया ने बताया नहीं आपको, आजकल हमारी बेइज्जती करने का खासा शौक है इसे। हम बस ये देख रहे हैं कि इन मुफ्त के कंबलों में कहीं मुफ्त की मुसीबत तो नहीं छुपी है, क्योंकि बड़ी अम्मा को छुपा के धमाका करने का बहुत शौक है। काव्या, घर की बड़ी है वो, क्यों पीछे पड़ी हो बुजुर्ग औरत के? यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? जाने दो काव्या, चलो। बाहर छोड़ दो, हम निकलते हैं। लोग चलिए, हम आते हैं। आदि, तुमने काव्या की जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें हम? शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, कि बेटी की जगह पार्टी का कोई भी कर्मचारी होता तो हम वही करते हैं। वो क्या है ना आंटी, अपने सामने किसी को मरते हुए देख नहीं सकते हम। हम तो ऐसा सोचते थे कि काव्या को तुमसे बेहतर और कोई नहीं समझता है, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि काव्या ने तुम्हारे भाई की जान ली है बेटा? क्योंकि वो नफरत करती थी उम्मी भैया से, आप सब करते थे। हाँ करते थे नफरत, लेकिन ये चाहते थे कि हमारी बेटी की मौत का जो भी जिम्मेदार है ना, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी की जान लेकर हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, हम हत्यारे नहीं है। हमने तो तुम्हारे भाई ओबी को माफ तक कर दिया था। माफ कर दिया आप लोग ने, तो फिर आपके बेटे और आपके पति ने मार मार के ओमी भैया को अधमरा क्यों कर दिया? वाह, क्या तरीका है माफ करने का। ये देखिए, क्या ये आप लोग इस तरह माफी देते हैं? ये पूरा सच नहीं है बेटा। कह दो कि ये झूठ है, ये राजीव जी नहीं है, ये मयंक नहीं है, और तो मर गया उमी भैया नहीं है, बोल दीजिए। नहीं मार रहे वो उसे यहाँ पे। आदि, पूरी बात ये नहीं है, समझने की कोशिश। सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, कातिल काव्या, लेकिन गुनेगार आप तीनों है। नहीं, आप तीनों सबने मिलकर नव्या की मौत का बदला लिया है। आप तो खुश होंगे ना, अभी यहाँ क्यों आई हैं आप? जाइए, अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अभी। बस करो अधिराज प्रधान, बस करो। हम पलट के कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी पे बदतमीजी करते चले जाओगे। अरे नेता होगे दुनिया के लिए, हम अपनी पत्नी और बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हैं। पापा चलिए, आपको क्यों रोक रही हो तुम? इस आदमी के तेवर नहीं देख रही हो? तब से कुछ भी पकी जा रहा है। अरे अपने बाप के पैसे और ओहदे का घमंड क्या दिखा रहे हो? हाँ, खुद से कुछ किया है आज तक तुमने? कुछ नहीं। अरे नेता तो छोड़ो, चपरासी भी बनने लायक नहीं हो तुम, समझ भाई बात? मम्मा आप क्या करें, मम्मा आइए प्लीज। पापा चलिए, खुद की याद होती है। हो गया काम। आदि, तुम यहां खड़े हो,
चार बजे महासचिव आ जाएंगे, उनसे पहले हमें दफ्तर पहुंचना है। फाइल ले लो। आते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गई फाइल, यही तो रखे थे। अम्मा, आपके पोते आदि को टिकट मिलने वाली है। हाँ। वो फाइल मिल नहीं रही। कहाँ गई? पता नहीं। माँ, भाभी, भैया। कौन सी फाइल? हमारे टेबल पे एक ब्राउन कलर की फाइल रखी थी, किसी ने देखी? कहाँ था उस फाइल में? बड़ी अम्मा, भवनपुर के लोगों ने हमारे सपोर्ट पे साइन किया था महासचिव को देने के लिए, वही फाइल नहीं मिल रही हमें। अरे ये तो बहुत जरूरी फाइल है टिकट के लिए। ढूंढो भाई, ढूंढो सब लोग, चलो। आप शांत हो जाइए, उसे गुस्से में कुछ कह दिया होगा। बेतु की बातें कर रहा था वो। अरे, अरे, अरे क्या कर रहा है? अरे ये आपकी फाइल है, संभाल के चलाया करिए। ये देखिए, इस बार तो बड़ी अम्मा आपने तो रुक कर चला दिया। बोले थे ना हम, एक तीर से दो शिकार, अब देखो कैसे टूटता है इनका संसार। हमारे कमरे में तो कोई ब्राउन फाइल नहीं है। अरे ऊपर के कमरों में भी सब देख लिया है, कहीं भी फाइल नहीं, गई कहाँ वो? फाइल नहीं मिली। फाइल मिल नहीं रही तो घर में होनी चाहिए या ऑफिस में होनी चाहिए, तो किसने गायब करी? कोई ना कोई तो है। जी हाँ हाँ, हम ढूंढ रहे जी। हाँ हाँ गिरिराज जी, महासचिव जी आज शाम को लखनऊ से बाहर जा रहे हैं, आपका काम अगर नहीं बना तो हमें मत कहिएगा। जी जी ढूंढ रहे, ढूंढ रहे जी। हाँ। कौन सी फाइल कहाँ रखी तुमने आदि? तुमसे किसी ने मदद मांगी? तुमसे किसी ने कहा था बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए? गलती हो गई हमसे, एक ही धमाके में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। हाँ सही बात है, और तुम्हें भी हम उस कुर्सी पे बैठने देते, और हाँ ऊपर जाके तुम्हारी गोद में बैठ जाते, दोनों साथ में मर जाते। अभी छह जन्म का साथ बाकी है, याद है ना? आदि दिखाना चाहते हैं, आओ इधर। क्या यहाँ नहीं? आओ। कोई बात नहीं भाई साहब, हम चले जाते हैं यहाँ से। वैसे भी आदि हमें बाद में बता देगा, पति पत्नी के बीच में कोई राजी नहीं होता। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहे। सही कह रही है वो, ये देख लो, किसी ने हमें भेजा है ये फोटो। बहुत होशियार समझ दिया खुद को, इस बार ऐसी चाल चलेंगे ना, उसे लगेगा गड़बड़ कंबलों में, पर हम चाल कहीं और चल रहे होंगे। फाइल इन्होंने गायब की, ये आदमी ये बंसल के साथ क्या कर रहा है? कौन है ये आदमी? ये अपोजिशन के ऑफिस में काम करता है, मैंने देखा इसको वहाँ। हे भगवान, जैसी बेटी वैसा बाप, सत्यानाश हो जाए इन लोगों का। तूने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई, और उसको देखो तेरे हाथ में आया हुआ टिकट गवा दिया उसने। राम 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 राम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या ये क्या है ये? पापा की फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे पापा के हाथ में हमारी एक फाइल है, जो वो ऑपोजिशन पार्टी के एक बंदे को पकड़ा रहे हैं। क्यों? आदि तुम कुछ भी बोलोगे क्या? हमारे पापा ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे पापा है, और हमारी लाइफ की बैंड बजाना तुम्हारी फैमिली का फेवरेट हॉबी है। आदि बस हो गया है, देखो हमारे बारे में जो कहना है कह लो, हमारे पापा पे नहीं जाओगे तुम। एक काम करो, अपने पापा को कॉल करो और पूछो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉल लगाओ उन्हें। ठीक है, पूछते हैं और बता देते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सर मार लिया तुमने, और तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। हाँ काव्या, क्या हुआ? आपने आदि की ब्राउन वाली फाइल किसी को दी है क्या? कौन सी ब्राउन फाइल? वो आपकी एक फोटो मिली है, उसमें आप एक ब्राउन कलर की फाइल एक आदमी को पकड़ा रहे हैं, वो हमारे घर के बाहर की फोटो है। हाँ
हाँ वो तो डिलीवरी बॉय था। क्यों, काहे की डिलीवरी हो? उस आदमी ने दी आपको वो फाइल? नहीं नहीं, वो हमसे टकरा गया था भाई रास्ते में, तो फाइल गिर गई थी उसकी, उसको लौटा दिया बस। तो क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, हम कॉल करते हैं। अरे का सुन लिया, आदि किसी ने जानबूझ के ही किया, वरना कोई जाके हमारे पापा की फोटो क्यों लेगा? सोचने वाली बात है ना। देखो कोई है इस घर में जो नहीं चाहता है कि तुम इलेक्शन लड़ो या तुम एमएलए बनो, पर तुम्हें वो नहीं दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि वो कौन है। तुम कभी चाहती ही नहीं थी कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, नेता बने, कामयाब बने, है ना? हमारी कामयाबी तुम्हें खटक रही होगी काव्या, पर अच्छा है, जो तुम नहीं चाहती ना उसे करने में भी और भी मजा आता है। अच्छा तो हम नहीं चाहते कि तुम हम पे यकीन करो, करोगे? हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार करो, करोगे? अच्छी चलती लेकिन चलेगी नहीं, आई एम सॉरी। तुम और तुम्हारी फैमिली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले काव्या, हम इलेक्शंस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कह देना अपने पापा से चाल अच्छी थी, चली नहीं। आदि हमारे पापा पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पे नहीं। झूठा इल्जाम, सबूत तुम्हारे आंखों के सामने है। कह दो अपने पापा से फाइल चुराना बंद करे, इल्जाम लगने बंद हो जाएंगे। हमारे परिवार वालों ने फंसाया है उन्हें, ऐसी नीच हरकतें करने की आदत तुम लोगों की है। नीच हरकतें? इतने नीचे तो घर से निकल क्यों नहीं जाती तुम? दफा हो जाओ, दरवाजा खुला है, गेट आउट। तलाक नहीं हुआ है अभी तक, ये घर हमारा भी है। और हाँ, अगर निकालना चाहते हो ठीक है निकाल दो, लेकिन उसके पहले ना अपने पापा से पूछना मत भूलना, कहीं हमारे जाने से ऐसा ना हो कि तुम्हारे नंबर गिर जाए और उनका एमएलए के बाप बनने का सपना। ओ शट अप, एमएलए का बाप तो वो जरूर बनेंगे, वो भी तुम्हारी मदद के बगैर, लेकिन तुम एमएलए की बीवी नहीं बनोगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। सुन लीजिए सब लोग, काव्या ये घर छोड़ के जा रही है, हम उसे निकाल रहे हैं, और कोई हमें रोकेगा नहीं। ये क्या क्या बोल? नहीं पापा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, रेटिंग कम हो जाएगी, हो जाने दो। आदि बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही ना कि हमने अपनी बीवी को निकाल दिया, कहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी हेल्प कर दे, हाँ अच्छे खासे कनेक्शन है प्रेस में हमारे, इंटरव्यू दिलवा दे तुम्हें। कह दो कि ससुराल वालों ने इतना सता कि तुम्हें घर छोड़ के मायके जाना पड़ा। और कोई पब्लिसिटी अच्छी होती है, अच्छी हो या बुरी, ना निकलो, इस घर से निकलने का टाइम आ गया है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मतलब पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है ना, तो एक काम करते हैं, काम यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है? हमारे बिछड़ने का वीडियो बनाते हैं। भाभी ये लीजिए, कैमरा चालू है, वीडियो बनाइएगा, ओके? और आदि तुम देखो, तुम हमारा हाथ पकड़ो, हमें ऐसे धक्का मारो और हमें बोलो कि हमारे घर से निकल जाओ, इतना करना है। भाभी रुको एक सेकेंड, चलो हाथ पकड़ो, भाभी एक्शन, कम ऑन। हमारा दिमाग सच में खराब हो गया है। क्या हुआ? हम वही कर रहे हैं ना जो दिख रहा है, तलाक की डॉक्यूमेंट्री हमारी, और देखना ऐसे वायरल हो जाएगी जैसे सेलिब्रिटीज की शादी होती है ना, क्या पता कोई खरीद भी ले। गुड आइडिया, एक टाइटल भी है हमारे पास, कातिल बहू। एक काम करते, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, एक रिपोर्टर का नंबर है हमारे पास। हम भी जानते हैं एक रिपोर्टर को, और हम भी कॉल करेंगे, लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री का नाम होगा प्यार किया तो डरना क्या। हमारे पास इससे भी अच्छा टाइटल है, कांड टू। राजा और रानी की प्रेम कहानी, मर्डर थ्री। सुबह से शाम तक का रिपोर्टर फोन क्यों नहीं उठा रहा? इसने कहा था कि अगर हमें कोई तंग करे तो हम इसको फोन कर दें। ए, सुबह से शाम तक? परमीत खुल्लर? तुम भी परमीत खुल्लर को कॉल कर रहे हो? कह रहा था ये भी अगर तंग करे तो कॉल कर देना। काव्या आदि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बचकर नहीं हरकत कर रहे हो? पापा से बोल दीजिए आप, चुपचाप इस घर से निकल जाए। नहीं पापा जी, आप इसको बोल दीजिए कि अगर इसके अंदर हिम्मत है तो अभी के अभी हमें खुद से बाहर करे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाने वाले। बहुत हिम्मत है हमें। भाभी,
बड़ी दया आ रही है बबुआ तुझ पे। जी छोटा ना कर, ठीक है? हमने ना बहुत जंगली बिल्लियां देखी है। देख हमारी बात मान, थोड़ी देर शांत रह। सारा दिन तो चौकड़ी मार के घर पे नहीं बैठेगी ना, कभी तो घर से बाहर निकलेगी। इसे सामान उठा के बाहर पटक देना सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.